और आज हम जा रहे हैं मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं उनको देखने, और हमारे साथ भाई विनोद एंड विकास पार्टी है। दोस्तों मैं आपका भाई आज फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो भाई आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम मधुमक्खी पालन का देख रेख करने वाले हैं, मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं और आखिर कितना श्रम किया जाता है या कितनी मेहनत की जाती है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं मधुमक्खी पालन, कितनी मक्खियां हैं, रानी मक्खी कौन सी है, कितना शहद इकट्ठा होता है। तो भाई शहद के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि एक किलो शहद 200 रुपये किलो जाता है। इसको उठाना है जो बक्से के अंदर से बिल्कुल। ये मार्का लगा रहे हो आप, तो ये कितने दिन में बढ़ जाता है बक्सा? तो भाई मक्खियों का पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर की तरफ जाली लगानी पड़ती है मुंह के ऊपर, और मक्खियां चारों तरफ घूम रही है भाई, देख सकते हो आप। काटने का डर रहता है, ये इधर इधर से रहता है मक्खियां, अंदर बढ़ने का बाहर निकलने का। तो भाई आप देख सकते हो मधुमक्खी पालन, और हमारे ये भाई हैं अभी, इनको क्या कर रहे हो भाई आप? इनको देख रहे हैं ना, थोड़ा पानी वाणी की व्यवस्था आप थोड़ी ना करते हो इनकी? खुद ही लाती है, खुद ही लाती है, अपने खाने देने के लिए खुद ही। तो अभी आप क्या देख रहे हो इनके अंदर? अंदर रानी है, देख रहे हैं ना रानी किसमें है किसमें नहीं। तो इनकी क्या, आपको कैसे पता चलता है इनकी मक्खियाँ रानी मक्खी कौन सी है? कोई पहचान थोड़ी ना इनकी भाई, मक्खी की पहचान रहती है, कौन होता राजा होता है उसकी पहचान रहती है, बड़ी रहती होगी वो। तो मक्खियाँ मरती भी है? मक्खियाँ मरती भी है, बहुत मरी हुई है रानी मक्खी में। जैसे परिवार का बड़ा सदस्य है ना, वैसे डब्बे के डब्बे में रानी मक्खी जो है सबसे बड़ी है। रानी मक्खी डब्बे में है तो डब्बा चलेगा, तो डब्बा खत्म हो। तो ये ग्रीन मार्कर का मतलब, ये इसने अपना मार्कर लगा दिया, ऐसे लगा दिया ना। तो यहाँ से कितने दिन में लोड हो जाएगा भर के? ये बस 4-5 दिन के बाद लोड कर देंगे। 5 दिन में हो जाएगा कम्प्लीट? नहीं कुछ नहीं, यहाँ हम घाटे में रह गए। अच्छा, यहाँ पे घाटा है। 25,000 रुपए किराया दे के इधर आए, वापस जम्मू जा रहे हो? हाँ, यहाँ से वापस जम्मू जाना पड़ेगा, यहाँ हमारा लाशी रह गया, कुछ भी नहीं मिला। कितने लोग हो आप? हम 15-16 लोग हैं अभी, यहाँ पे 4 लोग हो गए। हाँ जी, और बाकी क्यों अलग अलग जगह? हाँ जी, यार काटने का डर तो रहता ही है। काटती तो है, आपको भी काटती है? हमें भी काटती है। तो रिएक्शन होती है आपके? ये काले निशान जितने भी हैं मक्खी के काटने से, बल्कि हाथ हमारे काले नहीं हैं। तो भाई आपने मक्खियाँ देख ली होगी आखिर मधुमक्खी पालन कैसे होता है, और हमारे भाई काम कर रहे हैं इनके ऊपर मार्का लगा रहे हैं। शाम के टाइम पर ज़्यादा काटती है मक्खियाँ, क्यों भाई? बक्सा उगाने पर भाई साहब मक्खी का काटना तो जब इसका दिल करे तब काट ज़्यादा तो हम इसको जैसे जैसे अभी उड़ते हुए। हाँ, यानी मक्खी काटने वाले को कभी भी उगा नहीं हो सकता यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। तो फिर कटवाए क्या? कटवा ऐसा अंग्रेज लोग कैमरा देखा भाई, कटवाते हैं अपने आप को। तो आप जम्मू के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा क्या? अरे इसको ढक ले ऊपर की तरफ। भाई आप देख सकते हो इधर मक्खियां घूम रही है।
मुझे भी डर लग रहा है मक्खिया काटने का। और मैं अब आपको भाई के पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, देखो ये मार्का लगा रहे हैं भाई, काट ली यार एक ने। आपको वीडियो शानदार लगी होगी तो फटाफट से शानदार लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो भाई फटाफट से यार, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं भाई। तो आई होप अब हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।